कोविड-19 के कारण भारत के हर एक तबके पर बहुत ही भयानक असर पड़ा है। चाहे वो अमीर हो या गरीब, कोई आम आदमी हो या कोई सेलिब्रिटी, कोविड-19 के कारण हर कोई परेशान है। इंडिया में लगभग 1.2 मिलियन या करीब 12 लाख लोग कोविड-19 से इन्फेक्टेड पाए गए हैं। पर क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड या हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कितने लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं? अगर नहीं, देन प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट अस ऑन यूट्यूब। कनिका कपूर के बारे में तो शायद आप जानते ही होंगे। इन्होंने बॉलीवुड में बहुत सारे फेमस सॉन्ग्स प्रोड्यूस किए हैं, जैसे बेबी डॉल और चिड़िया कलाइयां। पर 20 मार्च 2020 को कनिका कपूर बहुत ही बड़े कंट्रोवर्सी में फंस गई थी, जब उन्होंने कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। उनकी ये गलती उनके लिए बहुत भारी पड़ी। उनकी ये एक गलती के कारण उन्हें बहुत ट्रोल किया गया और 21 मार्च 2020 को कनिका कपूर पर यूपी पुलिस के द्वारा आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाया गया। कनिका ने बाद में कोविड के लिए टेस्ट कराए, जिसमें से 5 बार टेस्ट पॉजिटिव पाया गया और 6 अप्रैल 2020 को 2 बार टेस्ट नेगेटिव पाया गया। और अब 41 वर्षीय कनिका कपूर पूरी तरह ठीक है। 1 जून 2020 हमारे इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के एक मशहूर कलाकार वाजिद खान, जो अब दुनिया में नहीं रहे। वाजिद खान बॉलीवुड के एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर म्यूजिक कंपोजर थे। वाजिद खान बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ में एज अ म्यूजिक डायरेक्टर और म्यूजिक कंपोजर काम कर चुके थे, जैसे दबंग, राउडी राठौर, हाउसफुल 2 एंड मैनी मोर। वाजिद खान किडनी इन्फेक्शन से भी जूझ रहे थे, जिस कारण कोविड-19 का उन पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा। वाजिद खान की मौत के बाद पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत उदासी छा गई एंड अनफॉर्चुनेटली वाजिद खान की मॉम भी कोविड-19 के द्वारा पॉजिटिव पाई गई। बॉलीवुड के एक और फेमस एक्टर किरण कुमार, जिनकी कुछ फेमस मूवीज जैसे विश्वात्मा, पत्थर के फूल, धड़कन और मुझसे दोस्ती करोगे के कारण जाने जाते हैं, 19 मई 2020 किरण कुमार कोविड पॉजिटिव पाए गए। हालांकि उन्होंने कहा कि वो शारीरिक रूप से पूरी तरह ठीक है और 26 मई 2020 तक किरण अपने घर पर ही सेल्फ क्वारंटीन रहे और 27 मई 2020 को 74 ईयर्स ओल्ड किरण कुमार कोरोना वायरस नेगेटिव पाए गए और पूरी तरह ठीक हो गए। रिकवरी के बाद कुमार ने मुंबई में मौजूद हॉस्पिटल हिंदुजा और लीलावती के डॉक्टर्स को थैंक्स कहा। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर्स उनका ख्याल नहीं रखते तो शायद वो आज इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो पाते। बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर करीम मुरानी, जिनके कुछ फेमस मूवीज के बारे में शायद आप जानते होंगे, जैसे चेन्नई एक्सप्रेस, दिलवाले और हैप्पी न्यू ईयर। 6 अप्रैल 2020 को करीम मुरानी की बेटी साजा मुरानी, जो कुछ ही समय पहले ऑस्ट्रेलिया से लौटी थी, कोविड पॉजिटिव पाई गई। जब साजा कोविड पॉजिटिव पाई गई तब उनकी ट्विन सिस्टर जोया, जो 15 मार्च 2020 को राजस्थान से लौटी थी, अनफॉर्चुनेटली कोविड पॉजिटिव पाई गई। और देखते ही देखते उनके फादर और मदर और साथ ही उनके घर के स्टाफ्स सब कोविड पॉजिटिव पाए गए। पर 1 महीने बाद मुरानी फैमिली पूरी तरह रिकवर हो गई। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ वेट फॉर इट्स नेक्स्ट पार्ट। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।